दोस्तों, जैसा आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं, एक मरीज़ का थायराइड का रिपोर्ट है जिसमें T3 और T4 बहुत लो है और TSH 404 है। इस मरीज़ का जो वेट है 76 किलो, 76 किलो है। पिछले कई हफ्तों से इनका आवाज़ भारी हो गया है, सूजन हो गया है, वेट बढ़ गया है, सुस्ती हो गया है, रात को खर्राटे आते हैं, सांस रुक जाती है। इवन किसी ने को CPAP लगाने की सलाह दे दी। तो इसे बोलते हैं हम लोग सीवियर हाइपोथायरायडिज्म, यानी थायराइड हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी है। जब बहुत पुराना थायराइड की कमी से बॉडी में स्वेलिंग, खर्राटे, सुस्ती, सांस लेने दिक्कत आने लगती है। ऐसे में अगर जल्दी दवा स्टार्ट नहीं की जाए तो कभी कभी बेहोशी होने का खतरा हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग मैक्सिडेमा कोमा। ऐसे मरीज को जब थायराइड हार्मोन बहुत कमी होती है, प्लस सीवियर थायराइड सिम्टम होते हैं, तो हमें थायराइड टैबलेट की लोडिंग डोज देनी पड़ती है करीब 500 mcg का। अगर मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम ना हो तो 500 mcg लोडिंग डोज देनी पड़ती है, क्योंकि जब भी हम थायराइड गोली देते हैं, आज मान लो हम इसको 125 गोली देते हैं, एक गोली डेली देते हैं, तो उसका असर 7 दिन बाद आता है। और बॉडी में थायराइड हार्मोन की चूंकि बहुत कमी है, तो ऐसे में कम से कम 500 mg की लोडिंग डोज देने से बॉडी में थायराइड हार्मोन लेवल थोड़ा सा बेटर आ जाएगा, तो बेहोश होने खतरा घट जाएगा। तो इनको मैंने ये थायरोन 125 गोली मंगाई, देख रहे हैं 125 गोली मंगाई। इसको 4 गोली अभी निकालूंगा इसमें से, 4 टैबलेट, और इनको बोलूँगा फटाफट खा जाओ। लो बेटा पकड़ो, ये पानी दो, इसको लो खा जाओ। जब इसके बाद इस गोली को टाइट क्लोज करना पड़ता, टाइट, अगर टाइट क्लोज नहीं करोगे तो नमी से इसका गोली का असर कम हो जाएगा। आपने 4 गोली 500 mcg से निकाल लिया, ठीक है। इसे थोड़ा सा शाम होते थोड़ा थायराइड हार्मोन थोड़ा बॉडी में आपका बढ़ जाएगा, उसे बेहोश होने खतरा घट जाएगा। जब भी किसी को थायराइड हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ऐसे लोग नींद की दवा नहीं लेनी चाहिए, उसे बेहोश होने खतरा बढ़ जाता है। या कभी इन्फेक्शन हो जाए, या कभी बॉडी में सोडियम सॉल्ट पानी कमी, उसे बेहोश होने खतरा बढ़ जाता है। तो अगर TSH बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आपके थायराइड हार्मोन की बहुत लंबे समय से कमी है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ थायराइड टेबलेट स्टार्ट कर दोगे, एक हफ्ते बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, 2 हफ्ते में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने लगेगा, और 2 महीने में एकदम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो हाई TSH बहुत ज़्यादा, 100, 200, 400, 500, 600, 1000 होने का एक मतलब है कि आपको काफ़ी समय से आपके अंदर थायराइड हार्मोन कमी है। फुल डोज स्टार्ट करो, कुछ दिन में ठीक हो जाओगे। नॉर्मली ऐसे लोग हम लोग 2 mcg पर किलो पर डे के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनका इस काफ़ी स्वेलिंग, इसलिए मैंने 125 स्टार्ट किया है। और होपफुली हम दोबारा टेस्ट करेंगे, 45 डेज चेक करेंगे और TSH इनकी नॉर्मल आ जाएगी, अदर डोज थोड़ा सा एडजस्ट हम करेंगे, समझ गए। तो इस तरह आपने देखा कि इसे लोडिंग डोज देते हैं हम लोग। तो कई कंडीशन में लोडिंग, लाइक प्रेगनेंसी में लोडिंग डोज देते हैं, प्रेगनेंसी मरीज को जल्दी थायराइड कंट्रोल करना होता है, लोडिंग डोज देते हैं। कभी आप डेली सुबह गोली खाली पेट खाओगे, कभी सुबह खाना भूल जाओगे तो अगले दिन 2 गोली खानी पड़ेगी। रोज़ सुबह गोली खाली पेट खाओगे, गोली खाने के बाद आधे घंटे बाद पानी पी सकते हो या नाश्ता कर सकते हो, और इवन चाय, चाय गोली साथ चाय पी सकते, चाय में कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड सॉलिड नहीं खाना आपको। डेली कितनी गोली खानी? 1 गोली डेली। कोई सवाल पूछना आपको? तो बेटा एकदम डरने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 5-4 गोली खिला दी आपको, तो शाम तक थोड़ा थायराइड हार्मोन बेटर हो जाएगा, शायद कल से थोड़ा हल्का इम्प्रूवमेंट फील करो। अगर 7 दिन आराम न मिले तो डरना मत, ये ठीक हो जाओगे, ठीक है।